थोड़ी देर में जो है शादी का कार्यक्रम शुरू होगा, तो शादी का कार्यक्रम भी मैं दिखाने वाला हूँ कि बुद्धिज्म से जो है शादी किस प्रकार से होती है। इस वक्त देखिए गुरुजी और सब लोग खाना खा रहे हैं, पीछे बंते जी हैं। अंजुल भैया ने एक वीडियो दिखाया था आपको जिसमें भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति दिखाई थी, ग्वालियर चंबल संभाग की, वो जो बौद्ध विहार है उसी के बंते जी मेरे पीछे बैठे हैं। और सुबह यदि समय मिला तो उधर जरूर जाएंगे। और इस वक्त गुरुजी अवधेश बौद्ध जी और पत्रकार महोदय दीपक बौद्ध जी जो हैं खाना खा रहे हैं। गुरुजी अवधेश सर और दीपक भैया जो पत्रकार है मुरैना से, वो अभी खाना खा रहे हैं। और थोड़ी देर में जो है शादी का कार्यक्रम शुरू होगा, तो शादी का कार्यक्रम भी मैं दिखाने वाला हूँ कि बुद्धिज्म से जो है शादी किस प्रकार से होती है। खाना हो गया अब जैसे अच्छा बना है तो अब उठ जाइए। वेरी गुड, जरूर है। अब आप ये ना पूछिएगा कि मैं क्यों नहीं खाना खा रहा हूँ। दरअसल मैंने पहले राउंड में ही खाना खा लिया था। और शादी में आप सभी का स्वागत है। और कुछ समय के लिए तक मैं सम्माननीय आदरणीय कमलेश बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूं कि दो शब्द कहें हमारे साथियों से, मेहमान भाई बहनों से, उसके बाद शादी। भगवान बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाएं, उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, सबको वंदन करता हूँ और अपनी संक्षेप में बात रखता हूँ। अभी आपके समक्ष बौद्ध संस्कार से विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो कई भाई और बहनों और माताओं के मन में शंका होगी, तो मैं दो मिनट में वो शंका निकालने का प्रयास करता हूँ। इस शादी में फेरे नहीं होते हैं, न यहाँ होते हैं, न बाद में होते हैं, और जो करते हैं वो पूर्ण रूप से बेईमान होते हैं। इसलिए ये शादी एक ही संस्कार से करनी चाहिए, जो यहाँ पर पूज्य बनते जी यहाँ पर संपादित कराएंगे और बौद्धाचार्य के माध्यम से होंगे। तो आपको पुष्प दिए जाएंगे, पूज्य बनते जी अष्ट मंगल गाथा करेंगे, आप आठ बार में धीरे धीरे करके आठ बार में पुष्प वर वधू की ओर समर्पित करेंगे, बरसाएंगे। और दूसरा, इस शादी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये शादी विश्व में कोर्ट मैरिज के बाद दूसरे नंबर की ऐसी शादी होती है जिसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। अन्यथा की दृष्टि में अन्य शादियों में अपने अपने संस्कार के माध्यम से शादी होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। यहाँ पर पूज्य बनते जी या धम्माचार्य जो भी शादी कराते हैं वो उसका प्रमाण पत्र देते हैं। आप सभी जानते हैं विश्व में कोर्ट मैरिज को छोड़ करके और दूसरी अन्य शादियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म की शादी ही एक ऐसी शादी है जिसको पूरी रूप से कानूनी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह कोर्ट मैरिज के तर्ज पे ही यहाँ पर कोई फेरे नहीं लिए जाते और यहाँ पर 5 प्रतिज्ञाएँ वर और वधू के द्वारा ली जाती हैं आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के। तो यहाँ पर ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर फेरे लगाने का कोई सिस्टम नहीं है और संसार के अंदर में हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी शादी में फेरे नहीं लगते। तो कई भाई हमारे लोग ये शंका व्यक्त करते हैं, माता बहनें, कि अगर फेरे नहीं पड़े तो शादी संपन्न नहीं हुई। तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि केवल हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी भी शादी में फेरे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई भी अंधविश्वास का कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको मार्ग दिया है
उसका पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए ये कार्य हम यहाँ पर संपादित करेंगे। समय अभाव में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शादी संपन्न होंगी। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतायेनं मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयमपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतायेनं मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयमपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतायेनं मया कृतं सर्वं अपराधं सुगन्धनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं हंसारपदीपेन तमगन्धनाशलोकदीपं सम्मुखं पूजयामि तमाभूते बुद्धरूपं सकलङ्करा यत्समूलेन छिन्नो वातपायेषयङ्गकापस्थो सर्वं करुं तन्मावते सोत्तं जीवितपर्यन्तं सर्वं गच्छामि साकातो भगवता समो सन्नित्यको आकारो वैमात्मो पञ्चतं वेदतापो मिञ्जो हि श्रीधर्मं जीवितपर्यन्तं मंगल परिणय कार्यक्रम आप हम और आपके समक्ष में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आयुष्मती अंजलि सुपुत्री आयुष्मती इंद्रा राजकुमार चौधरी हैं चौधरी और ये रामचंद्र का पूरा जौरा जिला मुरैना से हैं और आयुष्मान अतर सिंह सुपुत्र आयुष्मती सियाबाई और कुंवर लाल ये सबलगढ़ मुरैना से हैं। ये दो परिवारों का दो हृदय को पवित्र मिलन है। इस पवित्र मिलन की घड़ी में हम और आप सभी साक्षी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। आयुष्मती अंजलि और आयुष्मान अतर सिंह के सुखी जीवन के लिए भी घड़ी मंगल घड़ी है। सब घड़ी जो बुद्ध ने ये कहा है इंसान के लिए मुहूर्त सबसे बड़ा मुहूर्त होता है, उसका समय जो हमारे पास उचित समय है वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। और भगवतो अरहतो सम्मासम बुद्धस्स रतन की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी करके मैं अपनी प्रिय पुत्री अंजलि बौद्ध को आपको पुत्र वधु के रूप में सादर समर्पित कर रहे हैं। आज से हमारी बेटी के माता पिता के समान संरक्षण के उत्तरदायी आप होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस नई जिम्मेदारी का मन वाणी और आचरण से निर्वाह करेंगे तथा दोनों घरों का संबंध मधुरमय बनाए रखेंगे। ऐसी में आपसे कामना करता हूँ। साधु 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 सम्मासम बुद्धस्स त्रिरतन की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी करके मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई इस नई जिम्मेदारी का मन वाणी और आचरण से निर्वाह करेंगे तथा पुत्र वधु के संरक्षण में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दे। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु बढ़िया भगवतो अरहतो सम्मासं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस्स।
एवं हमेश संग्रह संग समय भगवान सावित्री यं बैठे जेतवने अनाथ पिंड कस्य आरामे यतको यंत्रा देवता अनुसंधा रतिया अनुसंध वन्ना के बल कपं जेतवन भगवान देता एन भगवान तेन उपसंग को उपसंग त्वा भगवान तं अभिवाद त्वा एक मंत्रं अठासी एक मंत्रं तथा कोसा देवता भगवान तं काताय अजवासे मनुष्याचा मंगलानि अत्यंति अंगाकं तुम्हारे प्रोक्तानं गृहमंगलं मुत्रं सेवनाच उपस्थित समाज को साक्षी करके मैं पांच पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ। पहली प्रतिज्ञा मैं मन वाणी और आचरण से अपनी जीवन संगिनी का सम्मान करूँगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा मैं जीवन पर्यंत कभी भी अपनी जीवन संगिनी का अपमान नहीं करूंगा, ना उसे अन्य किसी से अपमानित होने दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा मैं अपने माता पिता और आश्रितों का ख्याल रखते हुए अपनी माता पिता का ख्याल रखते हुए अपनी कमाई अपनी जीवन संगिनी के हाथ में दूंगा। चौथी प्रतिज्ञा मैं सभी प्रकार के बुरे कार्य न करते हुए अपनी जीवन संगिनी का विश्वास प्राप्त करूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा मैं यथाशक्ति अपनी जीवन संगिनी को वस्त्र आभूषण आदि से सदैव संतुष्ट रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता लेकर जीवन भर इन पांच पवित्र प्रतिज्ञाओं के अनुसार शरीर वाणी और मन से बिना लापरवाही के आचरण करूंगा। साधु 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 अरहतो सम्मासम उद्दस्स दृढ़तल्की महिमा से उपस्थित समाज को साक्षी करके मैं पांच प्रतिज्ञा करती हूँ। पहली प्रतिज्ञा मैं घर के सभी कार्य कुल की रीत से भली प्रकार संपन्न करूंगी और अपने काम से सभी को संतुष्ट रखूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा मैं अपने सदाचार एवं सद्व्यवहार से सास ससुर एवं सभी परिजनों को प्रसन्न रखने और इकट्ठा रखने का प्रयत्न करूंगी।
प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा मैं सभी प्रकार के बुरे कार्य ना करती हुई अपने जीवन साथी का विश्वास प्राप्त करूंगी। चौथी प्रतिज्ञा मैं मेरे सास ससुर एवं जीवन साथी की अर्जित संपत्ति अच्छी तरह से सुरक्षा करूंगी। पांचवी प्रतिज्ञा मैं घर के सभी कार्य बिना आलस के ठीक समय पर ठीक ढंग से संपन्न करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन पांच पवित्र प्रतिज्ञाओं के अनुसार शरीर वाणी और मन से बिना लापरवाही के आचरण करूंगी। साधु। तालियों चिराई हो। आप देख सकते हो इस शादी समारोह में मुझे एक चीज और देखने को मिली। जो भंते जी थे जो शादी को पढ़ रहे थे, उन्होंने जो है उपासकों को भेंट में भगवान बुद्ध की ये मूर्ति दी है। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जय भीम नमुद्धा साथियों, अभी आप जो शादी देख रहे थे जिसमें उपासक थी कुमारी अंजलि बौद्ध, और जो उपासक थे वो थे अतर सिंह जौहरी जी, जिनकी शादी आप अभी देख रहे थे। इसमें आपने देखा कि बौद्ध रीति रिवाज से किस प्रकार से जो शादियां होती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप अच्छा लगा होगा और आप कुछ नया देख पाए होंगे। मेरी कोशिश यही थी कि कुछ आपको नया दिखाया जा सके, और कल यदि मुझे समय मिला तो मैं आपको और बेस्ट वीडियो दिखाने वाला हूँ। चंबल संभाग की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि अंजल भैया ने एक वीडियो में आपको दिखाया था, यदि मुझे कल समय मिला तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय।